नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वरिष्ठ IAS को सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन की पाठशाला का वीडियो हुआ वायरल। IAS इफ्तखारुद्दीन के सरकारी आवास के वीडियो में इस्लाम के कट्टरवादियों की सजी महफिल दिख रही है। सीनियर IAS इफ्तखारुद्दीन अपने सरकारी आवास में एक धर्म गुरु के साथ कुछ लोगों के सामने इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे बता रहे हैं। वीडियो में इस्लामिक वक्ता उपस्थित लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के फायदे बताने के साथ कई मनगढ़ंत कहानियां भी सुना रहा है। वह बताता है कि इस्लाम में बहन बेटियों को जलाया नहीं जाता। आगे बोलते हैं कि अल्लाह ने हमें उत्तर प्रदेश के तौर पर एक ऐसा सेंटर दिया है जहां से पूरे देश और पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। वही सीनियर IAS इफ्तखारुद्दीन भी वहां बैठे लोगों को इस्लामिक कट्टरता का पाठ पढ़ा रही हैं। कि ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। मुस्लिम वक्ता जब IAS के सरकारी आवास में कट्टरता का पाठ पढ़ा रहा है, उस वक्त IAS इफ्तखारुद्दीन जमीन पर बैठे नजर आए। वायरल वीडियो में इस्लामिक वक्ता दावा करता है कि पिछले दिनों पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी। अलबत्ता हम लोग जाते हैं, तबलीगी जमात करते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनसे कहा कि इस्लाम कबूल क्यों किया तुमने, जिस पर उन्होंने कहा कि बहन की मौत के कारण इस्लाम कबूल किया है क्योंकि जब उसको मरने पर जला देंगे तो वह कपड़ा जल गया, वह निर्वस्त्र हो गई। सब देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। फिर मैंने सोचा कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, मेरी बेटी भी है, कल उसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद यह भी ऐसे ही जलेगी। फिर मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है, मुझे कबूल कर लेना चाहिए। ऐसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें जरिया बन रही हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। इस पूरे मामले में IAS इफ्तखारुद्दीन बाकी के दो वीडियो में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की किताब के बारे में बता रहे हैं। दूसरे वीडियो में बोले, ऐलान करो बताओ पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह और रसूल के मिशन को आगे बढ़ाएं। अल्लाह के नूर का ईद नाम होना है, पूरे जमीन पर अल्लाह का निजाम दाखिल होना है। कैसे होगा? यहाँ पर जो इंसान बैठे हैं इनको यह काम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह इनको पकड़ेगा। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। इस्लाम कबूल किया, मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दलिया बनी, तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उनका बहन की मौत दलिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए, बोले जी। मैंने बताइए इसको, कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जल जल गया, तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई, सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। फिर मेरे बहन ने मालिक ने डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी जलेगी। उसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे घूमता रहा, किसी ने कलमा नहीं पढ़ाया तो फिर आपके बारे में मुशर्रफ साहब है, उन्होंने बताया कि एक निशान साहब नबीना से आते हैं, वो आपको कलमा पढ़ा देते, कलमा मुझे कैसे कैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जरिया बन रही लोगों के इस्लाम कबूल करने के लिए। मेरे दोस्तों, हम लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा सेंटर, ऐसी ये खानका, ऐसा इस्लामी स्टेट कहिए इसको, कैसा दे। एक वीडियो आपके द्वारा शिकायत करी गई मुख्यमंत्री को भी, एक IAS का वीडियो है जो कि सरकारी आवास को लेकर के धर्म की बात को लेकर के भड़काने की बात कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला और किससे शिकायत करी आपने? एक वीडियो वायरल उस पर चल रहा था सोशल मीडिया में, जो मैंने देखा है, और उसको देखने के बाद उसमें हिंदू धर्म के विरुद्ध बहुत सारी बातें, अनर्गल बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और एक धर्म विशेष के पक्ष में बयान दिए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। वहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनको ये समझाया जा रहा है कि ये यही धर्म सबसे महत्वपूर्ण है और ये धर्म, इस विशेष धर्म के साथ लोगों को जोड़ना चाहिए।
उसमें धर्मांतरण जैसी बात भी वीडियो में निकल के आई है, जैसा अपुष्ट रूप से स्पष्ट हो रहा है। वीडियो के बारे में वीडियो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो यहाँ पर पूर्व में मंडलायुक्त कानपुर नगर थे और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, ये उद्योग निदेशक के पद पर रह चुके हैं, उनका वीडियो है वो, उनको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। और किसी भी सरकारी अधिकारी जो इस उच्च पदस्थ अधिकारी को जो आईएएस के पद पर कार्यरत हो, वो उसको ये अधिकार नहीं है कि इस तरह का वीडियो बनाकर वो कहीं पर भी डालें या इस तरह के लोगों को जो समाज में विद्वेष फैलाने वाली बातें हों, अनर्गल तथ्य हों, उनको फैलाने का काम करें। आईएएस अधिकारी के आचरण के विरुद्ध ही है, राजकीय नियमावली के आचरण के विरुद्ध भी है। वो वीडियो देखने से ये भी लग रहा है कि वो सरकारी आवास का वीडियो है और किसी भी सरकारी आवास पर इस तरह के का आचरण बहुत ज़्यादा निंदनीय है और ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। उस वीडियो को देखने से ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इफ्तिखारुद्दीन जहाँ पर पहले उद्योग निदेशक थे, उनके द्वारा ये सब बातें कही जा रही हैं। तो मैंने उसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी इन सब तथ्यों को अवगत कराते हुए वीडियो भेजा है। उनसे ये मांग की गई है इस अपुष्ट वीडियो और वायरल वीडियो की जांच कराएं, उच्च स्तरीय जांच कराएं, जो गहनता से इसकी जांच कराई जाए। अगर उनके द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है, उनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर राजकीय आचरण नियमावली के अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से अगर एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत रहते हुए कोई अधिकारी अगर इस तरह का आचरण करेगा तो निश्चित रूप से वो क्षम्य नहीं है, उसके विरुद्ध जो भी भारतीय संविधान के अंतर्गत और उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये मांग मेरे द्वारा की गई है। एक आईएएस के द्वारा धर्म को लेकर ऐसी बात करी जा रही, इससे क्या लगता है कि हिंदू धर्म को कितना आहत पहुंचा होगा? इससे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा बहुत आहत है, बहुत लोग इससे क्षुब्ध हैं, लोगों में आक्रोश भी है कि एक आईएएस अधिकारी जिससे न्याय की उम्मीद की जाती है, जो उस कुर्सी पर बैठता है तो उसके लिए सारे धर्म के लोग बराबर होते हैं, उन पर